सब्सक्राइब करिए रूपा एंड फैमिली चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और सब भले चंगे होंगे यार। और ये देखिए, मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी तो दो मैना है और यहाँ पे देखिए पार्क में, और कौआ लोग देखिए कैसे मतलब चल रहे हैं और उड़ भी नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका कैप्चर कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए कैसे भाग रहे हैं और कितना साफ़ सुथरा पार्क है। और देखिए अब हम लोग दूसरे जगह पे जा रहे हैं और यहाँ पे मतलब आगे जा रहे हैं जहाँ एक्सरसाइज ये सब होता है। ये देखिए उसका रास्ता है और ये देखिए पेड़, यहाँ पर भी सब कोई लटक लटक के खेलता है सब कोई। और अब हम जल्दी ये घर जल्दी घर आ गए क्योंकि बारिश हो रहा था। और आके हम पूजा वूजा मैंने कर लिया, नहा धोवा के मॉर्निंग का सारा काम करके मैंने पूजा कर लिया है। और पूजा करके देखिए मेरा पूजा दिया जल रहा है अभी। और फिर उसके बाद मैंने आज बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन को मैं इस तरह से कट कर लिया है धो के, बैंगन और आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और देखिए मैं धो के अच्छी तरह से कट कर ली हूँ इस तरह से, और आलू को भी मैंने कट कर लिया है और उसे भी धो के कट कर लिया। और ये देखिए बैंगन को मैं पहले फ्राई करूँगी, तेल थोड़ा सा डाल दिया है और इसे फ्राई करूँगी। और देखिए आलू भी मेरा धो धा के मैंने काट लिया है, और बैंगन फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद आलू भी फ्राई करूँगी। और ये कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और अब गर्म हो रहा है, गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें बैंगन डाल दूँगी। और फिर देखिए मैं आलू भी आपको दिखा दे रही हूँ। और देखिए मैं जा रही हूँ इसमें बैंगन फ्राई करती हूँ। बैंगन डाल दिया है फिर थोड़ी देर बाद मेरा बैंगन फ्राई हो जाएगा तो मैं आलू भी डाल दूँगी। आलू डाल दूँगी थोड़ा सा और तेल डाल के। और ये देखिए मैंने आलू भी डाल दिया है, अब आलू थोड़ी देर में फ्राई हो जाएगा अच्छे से, थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो मैं इसे निकाल दूँगी और फिर मसाला भूनूँगी। और ये मसाला देखिए मेरा बैंगन फ्राई हो गया है, कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। और दो टमाटर डालूँगी। और ये देखिए मेरा मसाला सब मैंने तैयार कर लिया है, इसमें ये सरसों का मसाला है मछली वाला, सरसों लहसुन अदरक ये और हरी मिर्च ये सब मैंने पीसा है, और धनिया पाउडर थोड़ा सा लिया है, और जीरा गोलकी यही सब सारा मसाला है। और ये देखिए मैं मसाला पीस ली हूँ और टमाटर भी मैंने कट कर लिया। ये देखिए मेरा आलू फ्राई हो गया है, और आलू फ्राई होने के बाद मैं अब इस मसाले को फ्राई करूँगी। ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ, और ये देखिए मैं मसाले फ्राई कर ले रही हूँ। मसाले मैंने डाल दिया सारा का सारा, अब मैं इसे भून ले रही हूँ अच्छी तरह से। और भुनने के बाद मैं इसको इसमें टमाटर डालूँगी, नमक डालूँगी और अच्छी तरह से मिला के मैं भून लूँगी। ये मछली के मसाले का ही तरह है और इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और ये मैं टमाटर इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ, और जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और जैसे मछली के मसाले को भूनते हैं और फ्राई करते हैं उसी तरह ये बनता है। और एक बार आप ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। और देखिए मैं आलू डाल दी हूँ और मिला दी हूँ अच्छी तरह से, और मिला के देखिए टमाटर भी मेरा गल चुका है। और इसमें फिर थोड़ी देर बाद मैं बैंगन डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी, अभी आलू थोड़ा सा सीझ जाएगा, आधा सीझ जाएगा उसके बाद। और ये देखिए मैं पानी डाल के और अच्छी तरह से इसे रख दी हूँ, और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद उसमें बैंगन डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी, ढक के मैं इसे थोड़ी देर रख दे रही हूँ। देखिए अब बैंगन भी मैंने डाल दिया है, और देखिए मेरा सब्ज़ी कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एक बार आप बना के देखिएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, और मुझे बताइएगा ये सब्ज़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और बहुत ही टेस्टी लगती है, आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और अब मैं आटा सान के मैं रोटियां बना ले रही हूँ। ये देखिए मैं रोटी बना ले रही हूँ और पराठा बना रही हूँ। बच्चे लोग ने बोला कि मैं पराठा खाऊँगा तो मैं पराठा बना दे रही हूँ, और हम लोग अपने लिए रोटी बनाएँगे। और ये देखिए मैं बना रही हूँ, और देखिए उसके लिए सब्ज़ी मैं निकाल के रख दी हूँ इधर, और फिर बनाते जाऊँगी और देते जाऊँगी, गरम गरम वो खा लेगा। देखिए और
बताइए कि मेरी सब्ज़ी कितनी टेस्टी है, और पूरा वीडियो देखिएगा। और देखिए मैं थाली भी लगा दी हूँ, और देखिए गर्मा गर्म पराठा कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए मैं रोटी और बैंगन आलू की सब्ज़ी, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा था टेस्ट, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। और ये देखिए कितना अच्छा मतलब दिख रहा है मेरा सब्ज़ी, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मैं अब लंच बना ले रही हूँ चावल, ये देखिए मेरा चावल बन रहा है, और दाल बन चुका है, और सब्जी में मैंने थोड़ा सा भुजिया बना लिया है, और ये देखिए मेरा चावल बन रहा है और सब्जी भी बचा हुआ है। देखिए मेरा लंच बन चुका है, और अब मैं देखिए अब एक और खरगोश आया है, तो ये वाला खरगोश मैंने पहले दिखाया था ना, वो वही वाला खरगोश है। ये देखिए कितना प्यारा लगता है खरगोश, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इसका फर है, और बहुत ही प्यारा है। देखिए इसका कान में एक और खरगोश है, वो काट लिया था, तो ये इसको बस इसको शांत शांत है थोड़ा सा, नहीं तो बहुत इधर उधर करता है। देखिए कितना प्यारा है, देखिए आप लोग, और बहुत अच्छा लगता है मुझे खरगोश, मिट्ठू, ये सब आपको दिखा दे रहे हैं। कितना देखिए कैसे इसका मुंह है, और आंख देखिए कितना लाल लाल है, सुंदर सुंदर। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरी बेटी लोग है, उसकी फ्रेंड लोग है, सब हेयर कटिंग चल रहा है उन लोग का। देखिए बाल काट रही है, और मेरी बेटी बाल बना रही है उसका, वो सीख रही है, हाँ ट्राई करती रहती है बाल पर, देखिए ये ट्राई कर रही है। और देखिए यहाँ पर मेरी बेटी अब अच्छा से हेयर स्टाइल थोड़ा कर लेती है, धीरे धीरे सीख जाएगी अच्छे से, और वो उसको भी कुछ कुछ सीखने का मन करता है, तो सीखते रहती है। ये भी मेरी बेटी भी कुछ कुछ सीखना चाहती है, और अब उसको भी मन करता है सीखने का, तो हेयर स्टाइल ट्राई करते रहती है। अभी छोटी है ना, इसलिए ज़्यादा मतलब हम नहीं बोलते हैं। देखिए बाल कितना सारा कटा है, और अब मैं शाम का टाइम हो गया, तो मैं ये लोग बोल रही थी थोड़ा सा चूड़ा भून दो, तो मैं चूड़ा भून रही हूँ। और देखिए मैं चूड़ा भून रही हूँ, इसमें तेल डाल के मैंने भून दे रही हूँ, और बादाम मैंने भूंज के निकाल लिया है। ये देखिए बादाम भूंज के मैं अलग कर ली हूँ, फिर बाद में मिला दूँगी, और नमक उमक डाल दूँगी। और मेरे बच्चों लोग को चूड़ा बादाम ये सब भुना हुआ बहुत पसंद आता है, इसलिए देखिए इसलिए मैं भूंज के रख देती हूँ एक डब्बा, वो लोग खाते रहते हैं हमेशा। और देखिए मैं बादाम भी भून ली हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है। और बारिश का मौसम में तो यही सब खाने का मन करता है, चूड़ा बादाम पकौड़ा, और कुछ स्नैक्स खाने का तो शाम को मन करता ही है, तो कुछ ना कुछ तो रहना ही चाहिए, इसलिए मैं बच्चों लोग के लिए बनाते रहती हूँ कुछ ना कुछ हमेशा। देखिए मेरा चूड़ा बादाम तैयार हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और आइए आप लोग भी खाइए शाम का स्नैक्स, और मज़े लीजिए। ये देखिए चूड़ा बादाम, और अभी मैं सबको निकाल के दे दूँगी थोड़ा थोड़ा, जिसको जितना लेना होगा, और आप भी आके खा लीजिए। देखिए अब बहुत ही टेस्टी है, ये देखिए मैं निकाल दी हूँ अपना बेटा बेटी के लिए, दोनों के लिए, हम लोग भी खाएँगे अभी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये देखिए मैं मकई भी पका रही हूँ, और देखिए बारिश का मौसम में तो मकई खाना ज़रूरी है, और पकौड़े। ये देखिए मैं मकई पका ले रही हूँ, और ये देखिए मैं मकई अच्छे से पका ले रही हूँ, और इसमें नींबू और नमक ये सब ये करके घस के तब मैं खाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है उस तरह से। और रात का टाइम है इसलिए लाइट कम है, और रात का टाइम में तो लाइट थोड़ा सा कम ही रहता है। और देखिए मेरा मकई अच्छे से पक गया है, और आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड, ये देखिए मेरा मकई पक गया है, और अब हम इसे खाने जा रहे हैं। ये देखिए इसमें नींबू वींबू मिला दिए हैं सारा, और अब हम खाएंगे इसको, और आप लोग भी खाइए, ये लीजिए, पहले आप लोग खा लीजिए उसके बाद हम लोग खाएंगे। और अभी अभी गरम गरम है, अभी मैंने पकाया है तुरंत, देखिए मैं किचन में ही हूँ। ये देखिए मेरा मकई कितना अच्छा पक गया है, और मैंने इसमें नींबू नमक
सब मिला के, और उसके बाद मैं इसको पकाई हूँ। ये देखिए कितना अच्छा है, देखिए, और खाने में भी टेस्टी है।